ये मेरे हाथ में एक श्री यंत्र है और ये है एक सिम कार्ड। इन दोनों में एक चीज कॉमन है और वो है कॉपर। तांबे या कॉपर के तार में इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड लगभग 186,000 मील पर सेकंड यानी कि लगभग लाइट की स्पीड के बराबर होता है। हजारों साल पहले ही हमारे ऋषियों ने ये खोज लिया था कि जब हम कॉपर प्लेट पर कोई संरचना बनाएंगे तो वो यूनिवर्स के एनर्जी को अपने अंदर ऑब्जॉर्ब कर लेता है। अलग अलग तरह के साउंड को और अलग अलग तरह के ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। अब आप कहेंगे कि श्री यंत्र और यूनिवर्स के साउंड में क्या रिश्ता है। साइंस में एक प्रक्रिया होती है टोनोग्राफी, जिसमें ऊपर रेत बिछाया जाता है और नीचे अलग अलग तरह का साउंड प्रोड्यूस किया जाता है और उस साउंड के वाइब्रेशन से ऊपर रेत पर अलग अलग तरह की संरचनाएं बनती हैं, जिसे टोनोग्राफी कहा जाता है। और इस टोनोग्राफी में ओम का साउंड उत्पन्न करने पर इस तरह की संरचना बनती है, यानी कि श्री यंत्र जैसी संरचना बनती है। अगर इसे हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझे तो 9 चक्रों से बने इस यंत्र में 4 शिव चक्र और 5 शक्ति चक्र होते हैं। 3 रेखाएं जहां पर मिलती हैं उस स्थान को मर्म और 2 रेखाएं जहां पर मिलती हैं उस स्थान को संधि कहा जाता है। और इस प्रकार इस यंत्र में 43 त्रिकोण, 28 मर्म और 24 संधियां होती हैं।